ये जो वीडियो अब आप देखने वाले हैं ना, इसको मैं दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। इसको यूट्यूब ने हाल ही में डिलीट कर दिया था, हाल ही का मतलब आज से 4 महीने पहले, और अपलोड होने के 1 या 2 हफ्ते बाद इस वीडियो को यूट्यूब के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। वीडियो को डिलीट करने का रीज़न था कि मैंने इस वीडियो के अंदर जो स्कैमर्स हैं, जो स्कैम करते हैं, उनके फेस जो हैं वो रिवील कर दिए थे, उनके चेहरे रिवील कर दिए थे स्कैमर्स के, ताकि वो किसी के साथ स्कैम ना कर पाएँ। बट राइट टू प्राइवेसी वगैरह दुनिया भर के एक्ट की वजह से ये स्कैमर बच गए सक्सेसफुली, और यूट्यूब ने वीडियो डिलीट कर दिया। बट अगेन मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बचा पाऊँ। अब इस वीडियो को अपलोड करने का अचानक से मूड क्यों बन गया, उसका रीज़न ये है कि मैं खुद इस स्कैम में फंस गया आज से लगभग 4 या 5 दिन पहले, और मुझे 400 रुपये का चूना लग गया। आई नो कि 400 रुपये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है बहुत लोगों के लिए, बट मैं अभी अनएम्प्लॉयड हूँ, तो मेरे लिए 400 रुपये बहुत बड़ी बात है। और मैंने सोचा कि यार ये स्कैम कितने लोगों के साथ हो रहा होगा। हालांकि सेम ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जिसने मेरे साथ स्कैम करा, वो कोई और थे। जैसे इन्होंने वीडियोकॉन का नाम यूज़ करा, उन्होंने गोदरेज कंपनी का नाम यूज़ करा। अभी गोदरेज को मैंने मेल करा है, जैसे गोदरेज का मेल मेरी तरफ रिवर्ट आता है, मैं तुरंत वो वीडियो पब्लिक कर दूंगा। कन्फर्मेशन का वेट कर रहा हूँ बस मैं। बाकी इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, ताकि ये डिलीट होने से पहले हम ज़्यादा लोगों को अवेयर कर पाएँ। तो वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, मतलब स्टार्ट क्या कर रहा हूँ, मेरे को वापस मिल गई ये वीडियो, तो इसको ऐड कर रहा हूँ। और आप लोगों का काम है कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और क्या आपने ये वीडियो शेयर करी या नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताना यार। बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत धमकियाँ खा रहा हूँ, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। अरे वाह यार, ये तो पूरी मतलब मस्त हो गया। चलो ठीक है, जय हिंद जय श्री राम। है एवरीवन, आप सभी के लिए एक बहुत तगड़ी गुड न्यूज़ लाया हूँ। आपके भाई की लग गई है जॉब, वो भी 2 घंटे की पढ़ाई के अंदर। और पता है सैलरी कितनी है? 3 मंथ की ट्रेनिंग है, 3 मंथ की ट्रेनिंग है, जिसके अंदर 60,000 रुपये महीना मिलेंगे। और जैसे ये ट्रेनिंग खत्म होगी, मुझे मिलेंगे 90,000 पर मंथ। और कंपनी कौन सी है सर? ये है बजाज लाइफ इंश्योरेंस करके, यानी कि बजाज की सब्सिडरी या कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह सेल करती है। उसके अंदर एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ये जॉब प्रोफाइल है। और भाई साहब सैलरी तो अच्छी है ही है, इन्होंने एक ही दिन में मेरे तीनों इंटरव्यू ले लिए। और IRDA, इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटी कुछ करके है ना, ये इंश्योरेंस वगैरह की कोई फुल फॉर्म जानता हो तो नीचे कमेंट में मेंशन कर देना, मैं पिंग कर दूंगा कमेंट बाकी लोगों के लिए। तो भैया इसका एग्ज़ाम देना है अभी मुझे, और उसकी फ़ीस भी पे करनी है 585 रुपये। खैर, अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ एक स्कैम की, जो इंटरनेट पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है, और जिसके विक्टम्स बहुत ज़्यादा मासूम लोग बन रहे हैं। अब विक्टम कैसे बन रहे हैं आप सोच रहे होगे, यार इसमें कैसे विक्टम बनना है? मैं बताता हूँ, मैं अभी प्रेजेंटली जॉब सर्च कर रहा था, मेरे को कुछ चीज़ें सीखनी थी, और वो सीखने का बेस्ट तरीका होता है जॉब पकड़ लो कहीं पे, क्योंकि भाई अपन लोग कोचिंग ज्वाइन करने की एज में तो अभी फील करते नहीं है, तो कोचिंग की जगह जॉब पकड़ो वो बेस्ट ऑप्शन है। अब सीन क्या होता है, मैंने Indeed.com एक वेबसाइट है, .in करके है, उस पर अपनी प्रोफाइल बनाई। मेरे पास कॉल आता है, हे इज़ दिस मिस्टर सुधीर? मैंने कहा यहाँ सुधीर ही बात कर रहा हूँ भाई। कहते हैं आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब और जॉब चेंज? मैंने कहा आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। कहते हैं वी हैव एन ओपनिंग इन बजाज लाइफ इंश्योरेंस एंड वी आर ऑफरिंग मिनिमम 60,000, मिनिमम एग्जैक्ट वर्ड मिनिमम है, ठीक है, 60,000 पर मंथ सैलरी फॉर फ्रेशर्स। और उसके बाद हिंदी में शिफ्ट हो गए हम। मैंने कहा ठीक है ना यार, 60,000 रुपये फ्रेशर बंदे को, और मतलब इससे बड़ा क्या होगा। तो भैया मैंने उनके लिए हाँ भरी, जूम पे हमारी कॉल हुई। तो वैसे तो आप आगे पूरी वीडियो कंप्यूटर पे देखने ही वाले हो, डिस्प्ले में आपके साथ सारे एविडेंसेस शेयर करता ही हूँ, लेकिन कहानी जो मनोरंजक है वो यहाँ पता है इंटरव्यू में मेरे से। पहले तो मैं देखते ही समझ गया उन सब चूतियों की शक्ल ना कि वो स्कैमर है, इसमें कोई डाउट नहीं था। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो थी ना वो ये कि उसमें एक बार में 15 बच्चों का फुद्दू काटा जा रहा था, और वो 15 के 15 इंटरव्यू में पास हो गए, और उन्होंने दिमाग भी नहीं लगाया वो कैसे पास हो रहे हैं। क्वेश्चन थे इंटरव्यू के अंदर, आपको भारत के देश का राष्ट्रपति पता है? मैंने कहा हाँ। कहते हैं आपको पता है कि बजाज का जो ऑनर है, जो बजाज का फाउंडर है, वो कौन है? मैंने कहा मिस्टर बजाज। कहते हैं ओके राइट आंसर। सीरियसली यार, कल को मेरे से कोई पूछेगी टाटा का डायरेक्टर कौन है, मैं कह दूँ मिस्टर टाटा, तो इसमें क्या मतलब क्या है ये उन्होंने, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था आपको क्या लगता है इंश्योरेंस क्या है? मैंने बता दिया भैया जो इंश्योरेंस है मेरी नज़र में, वो कहता है ओके ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही करके 3 अलग अलग राउंड करें ताकि यकीन होता रहे। लेकिन इनमें सबसे बड़ी बात क्या थी, जो स्कैम करने वाले हैं वो खुद सामने आए। और हाँ, ऐसे में हवा में नहीं गिरा वो स्कैमर, मैंने खुद बजाज से कंफर्म करवाई ये चीज़ की सर ये स्कैम है या नहीं है। और थैंक्स टू बजाज की उन्होंने विद इन मिनट मुझे इसका रिप्लाई कर दिया, नहीं तो मैं तो सोच रहा था कि रिप्लाई मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, सही बताऊँ इतनी बड़ी कंपनी से रिप्लाई ना। लेकिन उनने करा वो भी विद इन मिनट उसके ट्विटर पे, आप देख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट आपको यहाँ भी दिख रहा होगा और वीडियो में भी आपको और डिटेल में दिखेगा आगे। खैर
इंटरव्यू में पास हुए 3 राउंड के बाद और ज्वाइनिंग होनी थी, यानी कि बीते हुए 2 दिन पहले, लेकिन मैंने ज्वाइनिंग तो करनी नहीं थी क्योंकि मुझे पता था फ्रॉड कंपनी एड्रेस वगैरह सारे फ्रॉड थे। पर ये जो वीडियो है, हाँ मैं नाम तो बताने ही भूल गया ना, नए लोग, मेरा नाम है सुधीर वशिष्ठ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है इन लोगों के साथ डील करने में, बातें करने में, पूरा पूरा दिन इन इंटरव्यूज़ का वेट करता हूँ मैं, या ऐसे लोगों को ट्रैप में फंसाने का कि इनकी जानकारी कैसे भी निकल जाए। इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी तो नीचे देखो, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, उसके लेफ्ट साइड में आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा या राइट साइड में ज्वाइन का, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना मेंबरशिप और परमानेंट मेंबर बन जाओ डिजिटल सुधीर के। आपकी द्वारा ये जो सपोर्ट होगी ना, यही मेरे लिए फ्यूल का काम करेगी इन स्कैम्स और स्कैमर्स के खिलाफ लड़ने में। खैर, वो जो भाई था जो जिन लोगों ने ये इंटरव्यू लिया, उनकी शक्ल देख के और उनके इंटरव्यू के तरीके से ही मैं समझ गया था ये फ्रॉड स्कैम चल रहा है। बट थैंक्स टू बजाज, उन्होंने रिप्लाई करा। और ये वीडियो बनाने का मोटिव है कि आप में से कोई, वैसे तो बहुत लोग फंस चुके होंगे ऑफकोर्स इस ट्रैप में ना, मैं काफ़ी लेट हुई ये वीडियो बनाने में, बट अभी जो लोग रह गए हैं वो प्लीज़ केयरफुल रहें और ऐसे किसी ऑफर के चक्कर में मत पड़ो। जब भी कोई आपको इतनी मोटी सैलरी देता है ना, तो भी केयरफुल कि ऐसे कौन से स्किल्स हैं आप में यार। 60,000 रुपये महीने इन ट्रेनिंग सैलरी जो स्टाइपेंड है ना, वो कम नहीं होता। इसका मतलब समझ लो सैलरी आपकी 90,000, 1 लाख के आसपास, 12 लाख का पैकेज कम होता है क्या, 12 लाख का पैकेज महीने का। तो खैर, ये इन्फॉर्मेशन आपको शायद अभी उतनी रोमांचक ना लग रही हो, तो डिस्प्ले पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये लोग मेरे को स्कैम करने की कोशिश कर रहे थे और आपको भी करेंगे यकीनन। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलो, तो डिस्प्ले की तरफ हम लोग आ चुके हैं और आप देख सकते हैं सामने आपको दिख रहा होगा जॉब डिस्क्रिप्शन। ये जॉब डिस्क्रिप्शन आया कहाँ से आखिर, वो तो आप यहाँ देखोगे ही देखोगे। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से, किस स्ट्रेटेजिक तरीके से ये लोग स्कैम कर रहे हैं और मेरे पास क्या एविडेंसेस हैं जिसके बेसिस पे मैं ये यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ कि भैया ये जो हो रहा है ये है फ्रॉड। इसी को कहते हैं हम ऑनलाइन जॉब फ्रॉड इन इंडिया जो ट्रेंडिंग में, और मैं डिजिटल सुधीर आपको इससे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोई रीज़न नहीं है मेरा, समझ रहे हो। लगातार मैं इन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, गालियाँ सुन रहा हूँ, धमकियाँ सुन रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ कि एटलीस्ट एक वीडियो की मदद से कम 100 लोगों को बचा पाऊँ मैं। मेरा ये गोल है और आप लोगों का भी ये गोल है कि आप एटलीस्ट ये वीडियो कम से कम 2 से 3 लोगों को भेजो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर पाएँ। तो खैर चलिए, चलते हैं अपने जॉब डिस्क्रिप्शन की। एक छोटा सा ऐड मान लो आप ये मेरा, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो और अब तक टेलीग्राम चैनल आपने हमारा ज्वाइन नहीं कराया या फेसबुक ग्रुप, तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों जगह आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और अगर आपका कोई क्वेश्चन और डाउट है तो इन ग्रुप्स में जो मेंबर हैं वो सब आपका आंसर करते हैं। और जैसे ही कोई नए फ्रॉड की इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई फ्रॉड फेक वेबसाइट की जानकारी मिलती है, तो इन ग्रुप में किसी ना किसी के द्वारा पब्लिक करी जा सकती है। यानी कि इन सिंपल ये 2 सेकंड में अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन करते हैं, मतलब इन ग्रुप को ज्वाइन करने के 2 से 3 सेकंड आपके शायद पूरी लाइफ की जो मेहनत है, सेविंग है, उसको बचा सकते हैं और आपको किसी भी प्रकार के स्कैम में फंसने से बचा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अभी ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया, हाल ही के दिनों में कुछ कारणों से मैं नौकरी ढूंढ रहा था ऑनलाइन, है ना। उसका रीज़न आपको कभी डिटेल में बताऊंगा या बता भी चुका हूँ, मुझे याद नहीं रहती चीज़ें। खैर, जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख लो, प्रोफाइल नेम है रिटेल पार्टनर है, रिटेल पार्टनर ट्रेनिंग प्रोफाइल IC, मुझे पता नहीं क्या है, अपने ने इंजीनियरिंग में पढ़ा था इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके अलावा मुझे नहीं पता क्या होता है। ट्रेनिंग पीरियड है 3 से 4 मंथ, ट्रेनिंग स्टिपेंड जो देंगे ये वो दे रहे हैं सर मिनिमम 60,000, मैक्स डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस बेस। मतलब मैक्स मिनिमम तो आपको मिल जाएगा सर 60,000 तक, पर मैक्सिमम अंधा पैसा काटोगे आप यहाँ, डोंट वेरी। उसके अलावा वर्क रिक्रूटमेंट टीम बिल्डिंग एंड इनडायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, जो आप टेलीफोनिक के थ्रू करते हैं शायद वो इनडायरेक्ट सेलिंग होती होगी। या कोई मार्केटिंग का बंदा वीडियो देख रहा है तो नीचे प्लीज़ डिफाइन कर देना इनडायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, मैं उसको पिंक कर दूंगा कमेंट को। लोकेशन वर्क फ्रॉम होम रहेगी सर, सबसे बड़ी बात है 60,000 रुपये महीना या उससे प्लस सैलरी, और आपको कहीं घर से बाहर नहीं जाना। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। स्किल्स आपके लीडरशिप, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंग्लिश एंड हिंदी। भैया मैं इनमें से हर चीज़ में इंटरव्यू में धज्जियाँ उड़ा चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इंटरव्यूअर ने मेरे से पूछा हु इज़ द फाउंडर ऑफ बजाज कॉरपोरेशन, मैंने कहा मिस्टर बजाज, तो उसके बाद भी उसने मुझे सेलेक्ट कर लिया। वो कहता है कि भारत में RBI बैंक जो है वो कब बना, मैंने बोला सर जब हमारे पास RBI का कानून है। मतलब ऐसा था कि मैं बस जानना चाहता था कि किस हद तक मुझे पास करेंगे इस इंटरव्यू के लिए ना। और उन्होंने सारी, मतलब जितने गंदे आंसर मैंने अपनी ज़िंदगी में इंटरव्यू में नहीं दिए ना, वो मैंने यहाँ पे दिए और मैं पास भी हो गया। उसके बाद मुझे पूरा यकीन हो गया ये फ्रॉड है। तो मेरे पास ये मैसेज आता है व्हाट्सएप का, रश्मिका दास दिस साइड, थैंक यू, कैन आई स्केड्यूल योर इंटरव्यू ऑन टुमारो, कल के लिए। एंड उसके बाद इन्होंने कहा कि भैया देखो ये है सुधीर भाई तेरा जूम मीटिंग की आईडी और तू इस पर बात कर ले। मैंने कहा ठीक है भैया, बात ही तो करनी है, बात तो हम दुनिया से कर लेते हैं तो आपसे भी कर लेंगे। प्लीज़ डाउनलोड द जूम है, प्लीज़ चेक
हाउ टू कनेक्ट ऑडियो और वीडियो, प्लीज़ ज्वाइन ऑन टाइम, प्लीज़ वियर फॉर्मल ड्यूरिंग इंटरव्यू। भाई पूरी वीडियोज में ना सिर्फ मैं और एक लड़का था जो इंटरव्यू के लिए फॉर्मल में बैठा हुआ था, बाकी कोई नहीं था और सब पास हुए इस इंटरव्यू के अंदर, कोई फेल नहीं हुआ। अब इसने बोला कि मैंने पूछा इंटरव्यू में, मुझे पता चला कि IRDAI का एग्ज़ाम देना है। अब आप लोग बोलोगे सर ये IRDAI क्या होता है, तो भैया ये इंटरव्यू सुसर का नाथ, मतलब इंटरव्यू देने के बाद मैंने भी ये, वैसे तो मुझे पता है स्कैम की वीडियो बना के कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, डी का मतलब पता नहीं है तो सर्च कर लेते हैं कि क्या है ये। सर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होता एज सच एग्ज़ाम, जिसकी फ़ीस ये मेरे से डिमांड कर रहे हैं, कितनी सर 585 रुपये। बट मैंने कहा ठीक है आई गॉट इट। उसके बाद हमारी बात चलते हैं, एवरी थिंग विल बी एक्सप्लेन इन सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू जो अगला होगा, क्योंकि मैं पहला पास कर चुका हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर शॉर्ट लिस्टेड, 2 मिनट बाद ही मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया हूँ क्योंकि एक इंटरव्यू में दे चुका हूँ फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू एंड यू आर सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू 8:15 PM यानी कि 3:15 पे है। यूजुअली ऐसा मैं इसमें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता एक्चुअल प्रोसेस क्या है, क्योंकि आप नीचे कमेंट में देखना 5-6 स्कैमर्स होंगे जो नीचे कमेंट कर रहे होंगे अलग अलग तरीके की, आप समझ जाओगे वो स्कैमर हैं अगर थोड़े भी समझदार हो तो। वो उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, आप लोग करें ना करें, प्लीज़ ज्वाइन ऑन टाइम एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैंने कहा ओके मैम, मैम चल रही है ये, भाई नंबर है आपको नौकरी चाहिए तो बात कर लेना इन मैम से डायरेक्टली, बजाज आलियंस करके इन्होंने नंबर सेव करा हुआ है ये देखो यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने सेकंड राउंड के लिए मेरी इनसे बातचीत चलती है, ये रहा मीटिंग आईडी इन्होंने दी, ये सब हमारी बात चली तो मैं लेट हो गया क्योंकि मैं सो गया था एक्चुअल में। मैं बताऊँ मैं नींद का थोड़ा कच्चा हो गया हूँ आजकल बुढ़ापे की वजह से, बट एनीवेज ज्वाइन 8:30 मैंने करा। कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर अगेन मैं सेलेक्टेड हो गया, और इस वाले राउंड में मैंने कहा था बजाज का फाउंडर मिस्टर बजाज है, उन्होंने कहा देश की, उन्होंने पूछा देश के राष्ट्रपति कौन है, मैंने कहा सर नाम तो याद है पर याद नहीं आ रहा है अभी मुझे, ऐसे करके मैंने आंसर दिया। उन्होंने पूछा कि इंश्योरेंस क्या होता है, मैंने कहा जो इंश्योर करे वो इंश्योरेंस होता है। मतलब ऐसा है कि तुम कमेंट में ये मत सोच लेना कि बिल्कुल ही नहीं पता, बट मैं देखना चाह रहा था, आपको वीडियो दिखाऊंगा मैं कि किस लेवल तक गिरा जा सकता है यहाँ पे ना। उसके बाद यस मैम ये सारी बात चली, बट इन्होंने ना मेरे से डॉक्यूमेंट की लिस्ट मांगी कि हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए। आप जो डॉक्यूमेंट का नाम ले सकते हो ना वो सोच लो, 10th 12th के डॉक्यूमेंट हो गए, ग्रेजुएशन के हो गए, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ठीक है वोटर आईडी कार्ड हो गया आपका, इसके अलावा क्या हो गया सर, राशन कार्ड हो गया, हर डॉक्यूमेंट इन्होंने ईमेल में मेरे से मांगा। मैं समझ गया भैंस की आँख मैं नहीं देता भैया, पता चला मेरे लग गए एल वीडियो बनाने के चक्कर में। उसके बाद बट आई डोंट हैव पासवर्ड, मैंने कह दिया इनसे भैया, तो हो सकता है ये कोने वाली कन्वर्सेशन आपको ना दिखे, मैं खुद को यहाँ छोटा कर लेता हूँ कंप्रेस ना जिससे आप देख पाओगे। मोस्ट वेलकम, सेंड योर आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट एंड बैंक पासबुक और कैंसिल चेक। भैया मैं नहीं भेजने वाला था क्योंकि इन डॉक्यूमेंट का यूज़ किया जा सकता है मेरे नाम पर लोन सेंक्शन करने के लिए। ओके मेरी बातचीत चली इनसे, गुड मॉर्निंग मैम ये सब हुआ, तो उसके बाद मैं बड़ा परेशान था, तो मैंने भैया मैं कन्फ्यूज था कि ये साला स्कैम चल रहा है देश में नहीं चल रहा है, तो मैंने क्या करा मैंने बजाज आलियांस को कमेंट करा, हाय सुधीर थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस, तो उन्होंने रिप्लाई करा है, पूरा कमेंट आपको यहाँ दिखा दूंगा, यहाँ नहीं दिखेगा तो मेरे ट्विटर अकाउंट पर ले चलूँगा। एनीवेज आप चाहे तो मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पुटअप करता हूँ RTI ऑनलाइन स्कैम से रिलेटेड उनको आप सपोर्ट भी कर सकते हैं इस मुहिम के अंदर, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं मिल जाएगा है ना दोस्तों। तो ओवर नोटिस वी विश टू इन्फॉर्म यू डैट द पेज डजेंट बिलोंग, जो वेबसाइट है इनकी डजेंट बिलोंग टू बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। हैंस वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम यूर रिस्पॉन्डिंग दैम, उनको रिस्पॉन्स करने से बचें। बी एश्योर्ड वी हैव शेयर्ड योर कंसर्न विद रिस्पेक्टिव टीम फॉर 1/2 फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन ऑन दिस, ठीक है। और आगे जो एक्शन है उनकी टीम खुद ले लेगी, मेरा काम था ये, मतलब मेरा काम आपको ही बचाना नहीं है, इन वेबसाइट्स को डाउन भी कराना है। और पता है रोहिणी पुलिस स्टेशन है दिल्ली में, वो सर है ना उनके रोज़ मेरे पास मेल आ रहे हैं कि मुझे इन लिस्ट को भेजना है और मैं उनको नहीं भेज पा रहा हूँ। तो अगर सर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, मैं जल्दी वो डेटा भेजूंगा। आई थॉट टू डिस्कस अबाउट दिस जॉब प्रोफाइल विद माई कज़न, इज हिज जनरल मैनेजर इन बजाज, मैंने ऐसा बताया। एक्चुअल में बजाज में जनरल मैनेजर तो नहीं है, बट हाँ एक काफ़ी सुपीरियर पोजीशन पे मेरे मामा हैं, तो मैंने कंसल्ट करने की सोची बट ज़रूरत नहीं पड़ी, ट्विटर पे ही सॉल्यूशन मिल गया। एंड देन आई ट्वीट टू बजाज, दे सेड आई डोंट नो व्हाई यू गाइस आर ऑल डूइंग दिस, मतलब ये फ्रॉड है ऐसा उन्होंने बताया। और उनके किसी के बताने की जरूरत भी नहीं, आप खुद सोचो कि आपको कुछ नहीं आता तब भी कोई 60,000 रुपये क्यों देगा आपको। मतलब एक बात बता दूँ मैं तुम्हें, मेरे पास ना पहले मैं कॉलेज टाइम में था तो इंस्टाग्राम पर ना
कभी किसी सुंदर सी लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई ना, तो ज़्यादातर लोग उसको फट से एक्सेप्ट कर लेते थे, बट मैं उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करता था। पता है क्यों? क्योंकि ना मैं अपने कैमरे में ना तुरंत उसको ना उसमें अपनी शक्ल देखता था। मैंने कहा ये लड़की मुझे रिक्वेस्ट नहीं भेज सकती, चाहे भाई दुनिया में बेंच आखिरी बंदा होगा ना तब भी नहीं भेजेगी इतनी सुंदर लड़की। तो भाई उसके हिसाब से मैं डिसीजन लेता था। और आज भी मेरा सीन है कि अगर आपके अंदर स्किल्स या वो क्वालिफिकेशन नहीं, तो 60-70 हज़ार कोई आपको घंटा नहीं देगा। तो समझ जाओ, डाउट कर लो। ऐसा नहीं कह रहा कि वो लड़की भेज ही नहीं सकती कोई, लेकिन उसका एक्चुअल में डाउट है ना, तो क्लियर होना चाहिए आपका। इन शॉर्ट ना आप ये समझ लो, एक्सप्लेन करने में तो बहुत लंबा ज्ञान हो जाता है फिर यार। देखिए ये कोई फ्रॉड नहीं है। इफ़ डाउट है देन यू कैन चेक संजीव सर ऑफिशियल मेल आईडी। वो जो ऑफिशियल मेल आईडी ना, वो कद्दू ऑफिशियल मेल आईडी नहीं है। देखिए आपको कोई डाउट है देन आप हमारा रीजनल हेड ऑफिस कोलकाता जाकर चेक कर सकते हो। कद्दू कोलकाता, सी नोज ना कि मैं यहाँ पे दिल्ली में रहता हूँ ऑलरेडी, तो वो कोलकाता बोलेगी। हमारे एम्प्लॉय कोड भी प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके थ्रू आप कोई भी अपना नियरेस्ट ब्रांच में जाकर चेक कर सकते हो। ओके यार, ये मेरे से गलती हो गई एक्चुअली, मुझे पूछना चाहिए था। दिस इज़ माई मिस्टेक, मुझे इनकी नियरेस्ट ब्रांच में जाके पूछना चाहिए था इसके रिगार्डिंग। खैर यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं ना, सुंदर सा बंदा जो कोने में बैठा हुआ है, ये है तुम्हारा भाई, यानी कि आपका डिजिटल सुधीर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अब तक नहीं करा आपने। अब हम अपने हैंड फ्री हैंडफोन जो भी इनको कहते हैं ना पढ़े लिखे लोग, लीड मतलब लगा लेते हैं और देखते हैं भैया क्या ज्ञान की प्राप्ति हमें यहाँ पे होने वाली है। मुझे अकेले को नहीं, आपको भी होगी, ऐसी बात तो नहीं है ना, मैं अकेला ही ज्ञान प्राप्त करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ओके, इसका स्केप दबाया पहले हमने, फिर अब देखो यहाँ पे अलग अलग लोगों की वीडियोस जो आएंगी उनको मैं क्या करूँगा, ब्लर कर दूंगा जो मेरा फेस आएगा। क्योंकि जैसे बाकी लड़की वगैरह आपको नज़र आ रही है तो वो सही नहीं है, क्योंकि उनकी बेचारों की कोई गलती नहीं है और विदाउट देयर परमिशन उनको यहाँ पे शो करना भी जेन्युइन नहीं होगा। अब मैंने आगे क्या करा, यहाँ पे शेयर स्क्रीन नहीं करना था, मतलब मैं वेट कर रहा था उस बंदे का जो आके, अब देखो मैं ना यहाँ क्लिक करने की सोच रहा हूँ। अच्छा हो गया, चलो जो बंदा यहाँ पे आके हमारा इंटरव्यू लेने वाला था, मैं एक्चुअल में उसका वेट कर रहा हूँ। तो अभी तक तो वो जनाब आए नहीं थे यहाँ पे। अच्छा बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है ना, मैंने सीख लिया कैसे रिमूव करते हैं। इतने सारे ऑप्शन आते हैं भाई साहब लिटरली। अब ये सारे बंदे जितने देख रहे हो ना, सब इंटरव्यू में पास हो जाएंगे। तुम सारी बात छोड़ो, मैं अभी छोड़ो बाकी चीज़ें बाद में, अभी ये वीडियो देखो। मैं इसको होस्ट म्यूटेड, क्योंकि ना मैं बैकग्राउंड में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उसको मेरी आवाज़ आ रही होगी इसलिए हमने म्यूट कर दिया, बट किसी को ये नहीं पता था मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये कौन है? ये भाई शायद इंटरव्यू देने आया है, ये इंटरव्यूअर नहीं है, पहले ही बता दूँ। इन भाई को भी इंटरव्यू देना है और देखते हैं बाकी, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये सब भी देखो, ये सब इंटरव्यू देना है। अब किसने फॉर्मल, कहाँ दिख रहा है आपको फॉर्मल यूनिफॉर्म, यहाँ पर दिख रही है कहीं? देखो कहीं, अब इतने सारे बंदे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आपको दिख गई होगी पूरी सीरीज़, यहाँ पे लाइन लगी पड़ी है। अब उसके बाद यहाँ पे और देखो आगे, ये सब जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ इंटरव्यू ले रहा है ये बंदा, वो कहेगा भैया कैमरा ऑन कर लो अपना। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास एंड रीनेम योर नेम एज पर योर पैन कार्ड। ये आ गए हमारे इंटरव्यूअर वाले सर ना, ठीक है। अब ये हमारा इंटरव्यू लेंगे भाई साहब, अब देखना आप देखते रहो। गुड आफ्टरनून, मैं भी करूँगा गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, म्यूट योरसेल्फ। श्योर, सो लेट मी इंट्रोड्यूस मायसेल्फ फर्स्ट। माय नेम इज सिद्धार्थ सोनी एंड आई एम वर्किंग इन बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एज इन रिटेल पार्टनर। सो आई विल स्टार्ट विद योर सेल्फ इंट्रोडक्शन राउंड। मिस रानी पाठक, प्लीज अनम्यूट एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good afternoon, sir. My name is Rani Kumari Pathak. I have done my graduation and post-graduation from University of Lucknow. My father name is Upendra Pathak and my mother. ठीक है, ये उनकी personal details तो मुझे लगता है आपके लिए कैसे भी useful नहीं होगी, तो उस details को मैं क्या करता हूँ, skip कर देता हूँ। MBA from High Tech Institute and I have. ये सारे अभी इंटरव्यूज ही चल रहे हैं, तो अब आप एक इंटरव्यू देख लो, इस भाई का देख लो। आरबी हायर एजुकेशन एंड माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड ट्रैवलिंग एंड माय हॉबी एंड माय स्ट्रेंथ इज आई एम टाइम मैनेजमेंट एंड। अच्छा मैं किसी को बता देता हूँ ना मेरे पापा कहाँ जॉब करते हैं, तो उसके बाद वो मुझे सेलेक्ट नहीं करते प्राइवेट कंपनीज में। टाइम मैनेजमेंट एंड माय वीकनेस इज आई एम एम्पैथिक पर्सन एंड दिस इज ऑल ऑफ माय सेल्फ। अब अगला इंटरव्यू चलेगा, देखो तुम। Mr. Neil Patel, please unmute and introduce yourself. Good
गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज पटेल नील, आई बिलोंग्स टू भरूच. आई परस्यूड, आई कंप्लीट माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन एमबीए इन स्पेशलाइजेशन एचआरलाइन फ्रॉम गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी. एंड ठीक है, ये तो इन सब का प्राइवेट चल रखा है, इसको देखने की जरूरत नहीं है, अपन लोग डायरेक्ट चलते हैं. ये भाई ने भी अच्छा इंटरव्यू दिया था वैसे, ये लड़के का इंटरव्यू देखना भाई का. आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम डीवी पब्लिक स्कूल एंड वेकन स्कूल. फ्रॉम डीवी पब्लिक स्कूल आई हैव डन माय 10th एंड फ्रॉम वेकन स्कूल आई हैव डन माय 12th. देखते हैं. थैंक यू. म्यूट योरसेल्फ. मिस्टर सचिन एंड श्रीकांत, अपना अपना वीडियो ऑन रखिए. देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरव्यू है. अगर आपका वीडियो ऑफ रहा तो आपका सिलेक्शन होने में दिक्कत हो सकता है. तो ओके सर, वी गॉट योर पॉइंट. नहीं रिक्रूटमेंट कर पाए या एक किया या दो. मैं आप लोगों को एक बार प्रोफाइल फिर से ब्रीफ कर देता हूँ. ये देखो, सॉरी बीच में ना वो क्या होता है, मैं पावर पॉइंट के थ्रू वीडियोस बनाता हूँ ना, तो इसमें कभी कभी एरर आ जाता है, तो बीच में कट लग गया. मैं आपको बता देता हूँ, भाई बैकग्राउंड में बोल रहा है, अभी दिख जाएगा आपको. प्रोफाइल के बारे में बता रहा है, आप वो देखो कि जॉब प्रोफाइल क्या है. ये इसके मैं अभी बता रहा हूँ, बट आप समझो कैसे काम करते हैं ताकि आप लोग ना फंसो. दैट इज रिटेल पार्टनर, एक एम्प्लॉय कोड है, एक मैनेजरियल जॉब है. तो एक आरपी का जो फिक्स प्लस अलायंस सैलरी रहता है पर मंथ इज 19,000 प्लस पीएफ प्लस एएसआई प्लस इंसेंटिव मिला के एक आरपी का जो मिनिमम इनकम हो जाता है वो हो जाता है 35,000 to 40,000 इन अ मंथ. तो प्रोफाइल इज क्लियर. मिनिमम सैलरी दिखा रहे थे 60,000, अभी आ गया 35 to 40. ठीक है. नहीं रिक्रूटमेंट. अरे बार बार ना मिला के एक आरपी का जो मिनिमम इनकम हो जाता है वो हो जाता है 35 to 40,000 इन अ मंथ. तो प्रोफाइल इज क्लियर. यस सर. डेटाबेस प्रोवाइड करेगी प्लस एक सीनियर प्रोवाइड किया जाएगा जो टाइम टू टाइम आपको गाइड करेंगे. सो इज दैट क्लियर फर्स्ट पैरामीटर. यस सर. यार तो मेरी बात पर सीरियस लिया करो. पॉलिसी सेल करना रहेगा. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रिक्रूटमेंट प्रोफाइल में सेलिंग क्यों. तो जब तक आपको एक सेल्स का एडुकेट नॉलेज नहीं हो जाता, जब तक आप एक टीम को कैसे मैनेज कर पाएंगे. तो जैसे ही ये दोनों पैरामीटर्स आप ट्रेनिंग फेज में कंप्लीट कर लेंगे, कंपनी आपको रिटेल पार्टनर में प्रमोट कर देगी, आपका प्रमोशन हो जाएगा. तो एज यू ऑल नो कि कोई भी कंपनी ट्रेनिंग फेज में आपको सैलरी प्रोवाइड नहीं करती है, बट आपको स्टाइपेंड अमाउंट दिया जाएगा जो कि मिनिमम 60,000 रुपीज रहेगी. सैलरी आपकी 35,000 to 40,000 रहेगी, लेकिन स्टाइपेंड अमाउंट आपका 60,000 रुपए मिनिमम रहेगा. खुश हो जाओ दोस्तों. तो इज दैट क्लियर बोथ पैरामीटर्स. एनीवन एनी क्वेरी सर. बाय चांस रिक्रूटमेंट नहीं होता है तो उस टाइम पे ट्रेनिंग पीरियड में तो एक तरह से टारगेट हो गया भाई. इसका रीजन ही होता है, देखो मैं एक चीज और बता दूं, वैसे तो ये इंटरव्यू फेक है, बट आप में से जो भी कोई इंटरव्यू देने जा रहा है वहाँ ट्रेनिंग में आपको टारगेट दिया गया है, उसका मतलब ही होता है भैया वो फुलफिल नहीं करा तो वो आपको निकाल सकते हैं. निकाल देंगे वो 100% नहीं है, इट्स डिपेंड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस, लेकिन हो सकता है वो आपको निकाल दें. ठीक है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं. तो सिंपल मतलब है. तो यहाँ पे ये सारी बकैती चलती रहेगी. अब अगली वीडियो पे चलते हैं. पॉइंट है बंदे का, भले ही स्कैम कर रहा है लेकिन पॉइंट जैन वाला है, समझ रहे हो. करना रहेगा. हाँ ओके. अभी यहाँ मेन पॉइंट है, रुको यहाँ पे मेन पॉइंट आएगा, उसको सुनो. अब आप पॉलिसी आल्सो टू दैट पर्सन ओनली. नो नो, जिन्होंने आपको कांटेक्ट किया था वो आपको और ब्रीफ कर देंगे, और अगर आप इस राउंड में सिलेक्ट होते हो तो आपको सेकंड राउंड में और कंफर्म कर दिया जाएगा. ओके, सो मैं आप लोगों को आगे का प्रोफाइल ब्रीफ कर देता हूँ. सो बेसिकली आपको बता होगा, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक आरटीओ का एग्जाम देना पड़ता है फॉर योर लाइसेंस. उसी तरीके से जब आप इंश्योरेंस सेक्टर में आओगे तो आपको एक लाइसेंस का रिक्वायर्ड रहता है. ओके, सो उस लाइसेंस के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, एंड एग्जाम नेम इज IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सो बेसिकली ये एक गवर्नमेंट एग्जाम है. कुछ भी तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप कॉम्पिटिटिव नहीं दे सकते हो. तो आपको एक दिन के लिए सेंटर विजिट करना पड़ेगा, एंड सेंटर नेम इज NSEIT लिमिटेड. सो ये सेंटर हर एक डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है. जब आप फॉर्म फिलअप प्रोसेस करेंगे, जब आपको बता दिया जाएगा. एंड बेसिकली फॉर्म फिलअप प्रोसेस को बजाज लाइन्स में ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कहते हैं. तो जो आपका एग्जाम होगा वो 50 मार्क्स का होगा, 18 मार्क्स इज पासिंग मार्क्स एंड नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी. MCQ बेस आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा. सो इज दैट क्लियर. यस सर. भाई मुझे ये जो NSEIT से ना ये कहीं से भी लिंक नहीं लगी बजाज आलियांस से. बाकी देखो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया.
ये सब चलता रहा है यहाँ पे ना, अभी इंटरव्यू ले रहा है तो सब इनसे अब जवाब दे रहे हैं अपने हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंटरव्यू दिखाता हूँ, मुझे ना हंसी आ रही है तो मैं अपना मुंह नीचे करके बैठा हूँ सीरियसली। ये चलता रहा चलता रहा। अच्छा मेरी बज्जी आ गई क्या? जी आप बताइए मुझे कौन सा इंश्योरेंस मैंडेटरी है इंडिया में? सो एक्चुअली टू व्हीलर इंश्योरेंस मैंडेटरी है, बट मैंने वहां रिप्लाई करा हेल्थ इंश्योरेंस। व्हेनेवर यू बाय एनी कार और बाइक दैट हैज द इंश्योरेंस इज ये सब चलती रही बातें। जैसे तुम्हारा भाई भी आएगा यहाँ ज्ञान पेल ने, हर हर महादेव। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक मेल ड्राफ्ट करके भेज दिया साइबर सेल बजाज आलियांस कस्टमर केयर बजाज आलियांस। ऑल दो इन्होंने कोई घंटा रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं करा, बट थैंक्स टू देयर सोशल सपोर्ट जो भी है ट्विटर वाली टीम जो है हैंडलर वाली, उन्होंने रिस्पॉन्स करा, उसके लिए थैंक यू। पर ईमेल वाली भैया बजाज वालों तुम्हें इस पर काम करने की जरूरत है, बड़े हुतिया लोग बैठा रखे हैं जिनको रिप्लाई करने तक का टाइम नहीं होता, सैलरी लेते होंगे पूरी, ये पूरा सरकारी काम वाला फील ले रहे हैं ये भी। तो दोस्तों पहला राउंड तो तुम्हें पता ही है क्लियर कर चुका है तुम्हारा भाई, अब बज्जी आ गई सेकंड राउंड की। सेकंड राउंड में क्या है भाई वो देख लो, सेकंड राउंड भी मुझे क्लियर करना ही है। यहाँ पे ये मेरा सिर्फ वन एंड वन इंटरव्यू होगा और देखो ये क्या लेते हैं, किस तरीके से इंटरव्यू लेते हैं। पहले भाई का बैकग्राउंड देखो, क्या टट्टी स्टाइल में भाई ने ब्लर करा हुआ है, सुनो मेरी आवाज़। अरे यार हाँ पता है यहाँ बसूड़ी क्या हो गई, इसीलिए कहते हैं ना बी एस सॉफ्टवेयर ना धोखा दे गया जिससे मैं ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ। सर एस यू नो माई नेम इज़ सुधीर शर्मा एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड इस बंदे की ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई यार, बस सारी प्रॉब्लम ये होगी लेकिन इसमें नहीं हुई, और जिस फाइल में ऑडियो रिकॉर्ड है वहाँ पे वीडियो नहीं है और वो आगे पीछे इतनी हो रही है कि उसको मर्ज करने में टाइम जाएगा बहुत ज़्यादा, इसीलिए ना मैं शॉर्ट स्टोरी बता देता हूँ। इस भाई ने मेरे से इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे थे बहुत सारे, देखो यहाँ पे आप मैं खुद ही आपको ज्ञान दे देता हूँ इसका। तो ये जो अब तक आपने सारी चीज़ें देखी ना इसी को कहते हैं अखंड बकैती। ये लोग आपको जॉब के झूठे प्रॉमिसेस करेंगे, ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फेक हैं फ्रॉड हैं। मतलब मैं बजाज आलियंस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो इनका यूज़ करते हैं, इनके नाम का यूज़ करते हैं। जैसे आपको बहुत बार मिलेगा गूगल में वैकेंसी निकली, अभी आपको मैसेज आ जाएगा दिल्ली एयरपोर्ट पे इतने लोगों की जरूरत है, अकाउंटेंट ये सब चाहिए। सर लोग लाइन लगा के जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि कंपनी को प्रचार करने की जरूरत है, खंभों पे बैनर पोस्टर चिपकाने की जरूरत है? वो सब स्कैम है। जब आप वहाँ जॉब के लिए जाते हो तो वो आपसे 5-5, 6-6 हज़ार रुपये ट्रेनिंग के नाम पर चार्ज करके भग जाते हैं, गोली हो जाते हैं। पहली चीज़ आपको ये समझने की जरूरत है। दूसरा भाई अपनी लाइफ में ना कुछ गोल्डन रूल्स बना लो कि मैं अपने स्किल्स डेवलप करूँगा उसके बाद जॉब के लिए जाऊँगा। एक चीज़ समझो, एक वीडियो देख रहा था मैं इंस्टाग्राम पर, उसको हिंदी में सिंपल ट्रांसलेटर करूँ तो बंदा कहता है जब आप बहुत ज़्यादा भूखे हो ना तो ग्रोसरी स्टोर पर मत पहुँचो कभी ख़रीदारी करने के लिए, क्योंकि आप कुछ भी उठा लोगे चाहे आपको पसंद हो ना हो आप खाने के लिए। ऐसे जब आपको बहुत ज़्यादा जॉब की जरूरत हो ना, आप पागल हो रहे हो, तो सर कहीं भी परमानेंट जॉब के लिए मत पकड़ो। आप एक जॉब मतलब अपने स्किल्स पर फोकस करो। आप कहीं भी भले ही आप बर्तन धोने का काम पकड़ो, ऐसा नहीं आप 12 घंटे की नौकरी पकड़ो, आप बर्तन धोने का 6 घंटे का काम पकड़ो जिससे आपका गुजारा चले और बाकी के जो 6 घंटे बचे ना आप वहाँ पे अपने स्किल्स पर फोकस करो। मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी पिछले हफ्ते मैंने उस कंपनी को तीसरे दिन रिज़ाइन कर दिया वहाँ से। पता है क्यों? क्योंकि मैं पागल हो गया था, लिटरली मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं सुबह 4 बजे उठ रहा मशीन की तरह, 4:30 उठता, 5 बजे तक थोड़ा फ्रेश व्रेश होकर रनिंग के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद बाकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिम वगैरह बहुत सारे काम, और 6-6:30 बजे तक मैं फ्री होकर घर आता। 6:30 बजे के बाद 7 बजे नहाता और 7:30 ऑफिस के लिए निकल लेता। दिल्ली से जो मेरा ऑफिस है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर पूरा कंस्ट्रक्शन एरिया है, मुझे 2 घंटे पहुँचने में लग रहे थे ऑफिस। तो 7:30 निकला, 9:30 ऑफिस पहुँचा, 9:30 ऑफिस पहुँच के शाम को 7:30 ऑफिस से निकल रहा हूँ। ऑफिस से इतना सारा वर्क मिल गया भाई जैसे मतलब मैं ही कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ जिसने ठाना है कंपनी का रेवेन्यू 1 महीने में 10 टाइम्स इंक्रीज करना है। रात को 2 बजे तक मैं लिटरली उस कंपनी में काम कर रहा हूँ सर उन लोगों के लिए, और उसके बाद सुबह मतलब मैं मशीन बन चुका हूँ सर। 3 दिन के अंदर मैंने रियलाइज़ कर लिया कि सुधीर तू यहाँ से 20,000 रुपये सैलरी तो उठा सकता है लेकिन अपना वो फ्यूचर नहीं बना सकता जो तुझे चाहिए। इससे अच्छा कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके अपने ऊपर काम कर, खुद को टाइम दे, खुद को मतलब हम चूतिया पे में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं, हम दोस्ती में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, हम एक बार खुद को टाइम देने में थोड़ा टाइम क्यों नहीं लगा सकते? सीधी सी बात ही है, मैं उस कंपनी में हो सकता है कि जिंदगी भर नौकरी करूँ, 60-70-80 हज़ार रुपये सैलरी तक पहुँच भी जाऊँ, बट जो मेरे शौक हैं जो मेरे सपने हैं ना वो सैलरी में कद्दू पूरे नहीं होते सर। तो मैंने वहाँ से तीसरे दिन रिज़ाइन दिया, और सर जिस दिन मैंने रिज़ाइन करके आया ना कंपनी से, भगवान कसम मैं बताता हूँ आपको मेरी हालत क्या थी। नोएडा सेक्टर 63 जो मेट्रो स्टेशन है ना, मैं उसके प्लेटफॉर्म वहाँ खड़ा हुआ था ऊपर,
मेट्रो से और नीचे रोड की तरफ देख रहा था, जो डिवाइडर थे ना वो मुझे दिखते हैं कि वो चल रहे हैं सर, वो डिवाइडर मुझे लिटरली वो ऐसे चलते हुए नज़र आ रहे, मूव करता हुआ डिवाइडर नज़र आ रहा। भाई मैंने कहा मतलब मैंने क्या माल सा फूक के रखा है यार, मेरे समझ में नहीं आया। मैंने खुद को ऐसे करा और एक थप्पड़ लगाया खींच के, प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए लोग देखते हैं ये लड़का कर क्या रहा है भाई। तो डिवाइडर मतलब ऐसे करके मुझे दिखा कि हाँ डिवाइडर स्टेबल हो चुके हैं अभी, ठीक है वो रुके हुए हैं अपनी जगह। डिवाइडर मतलब आपने रोड के किनारे पर वो पत्थर लगे देखे होंगे ना येलो ब्लैक कलर के, वो वाले मुझे मूव करते हुए दिख रहे थे। अब भाई मैं वापस रोड को देख रहा हूँ, तो रोड मेरे को जो रोड के बीच में दो पट्टी होती है ना, शायद मैं डिस्प्ले पर लगा दूँ एडिटिंग में याद रहे तो, वो दोनों जो पट्टी होती है जो बनाती हैं, पहला रोड है ये, दूसरी साइड ये तीसरी लाइन है, लाइन में डिवाइड करती है, तो वो दोनों पट्टी मुझे क्लोज आती हुई नज़र आ रही है सर। मुझे लग रहा रोड ज़मीन अंदर धंसता जा रहा है, वो पट्टी क्लोज हो रही है। लिटरली मेरी ये हालत हो गई थी, इतना काम कर रहा था मैं बिना सोए अपना ऑफिस का, यूट्यूब पर रिप्लाई, मैसेजेस के रिप्लाई, मतलब लिटरली मैं पागल हो गया। और उसके बाद सर मैंने मेट्रो पकड़ी, मैंने एक भाई से कहा कि भाई मुझे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन आने पर तू उठा दियो। लौंडे ने सीट दे दी, मैं बैठ गया। मुझे ऐसा लगा बस एक मिनट बाद राजीव चौक स्टेशन आ गया। मैं इतनी गहरी नींद में सोया मेट्रो में कि मेरे को उस लड़के ने जगाया कि भाई राजीव चौक मेट्रो स्टेशन आ गया। राजीव चौक से फिर मैंने कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट से घर के लिए ऑटो, ऑटो में सोते हुए आया मैं। फिर मैंने दुकान पर जाके अग्रवाल भाई की एक दुकान पड़ती है, एड्रेस तो आपको नहीं बता सकता मैं कहाँ पर, बट वहाँ पर जाके मैंने कुछ खाया पिया, फिर थोड़ा आराम मिला मुझे। और उसके बाद सर घर आके मैं सोया। अब मैंने फिर नए प्लान बनाए कि सुधीर ये तेरा गोल है ही नहीं फ्यूचर का। और यही रीज़न था कि जब मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी और कुछ प्रोजेक्ट पकड़े वर्क फ्रॉम होम के अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए ना, और उसी के बाद से फिर कुछ सजेशन मिले राहुल भाई मोहित, मतलब पर्सनली ये लोग मुझे नहीं जानते ना मैं इन्हें, हम बस यूट्यूब पे इंस्टा के थ्रू एक दूसरे को जानते हैं। उन्होंने सजेशंस दिए कि तू काम तो कर रहा है ना, इंस्टा पे मैसेजेस के रिप्लाई कर रहा है, उस पर एक छोटा सर्विस अमाउंट डाल दे जिससे तेरा भी काम चलता रहे, क्योंकि 6 महीने से लगातार मैं सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा था। और अभी क्या होता है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जब 10-10 घंटे आप यहाँ बैठ के काम करते हो, लेकिन इनकम तो उससे नेट जीरो हो रखी है ना। तो उसके बाद जब अभी काम करना शुरू करा, चीज़ें स्टेबल हुई, बहुत सारे प्लान आए, और मैं समझ गया कि लाइफ में एक गोल्डन रूल ये है कि मैं कभी, मेरा जो रूल है, मैं कभी भी अपने स्किल से कम की सैलरी पर जॉब नहीं करूँगा, और दूसरा मैं कभी जॉब ही नहीं करूँगा। और मेरा तीसरा जो सबसे बड़ा रूल है ना, अगर मैं कोई काम करूँगा ना तो सिर्फ अपने लिए करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा जॉब करना बुरा है, बट मैं कह रहा हूँ मैं जॉब करने के लिए बना ही नहीं सर। मेरे को ये बात 6 फरवरी 2023 को पता चल गई, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था जिस दिन मुझे ये पता चल गया। और उसी दिन मैंने कसम खाई कि मैं सिर्फ खुद के लिए काम करूँगा, और मैं पागलों की तरह काम करूँगा, चाहे 12 घंटे कंपनी के लिए काम करने से अच्छा मैं 16 घंटे दिन में अपनी कंपनी के लिए काम करूँगा। तो खैर ये मेरी वीडियो थी पूरी, आपको बस बताने का मोटिव था कि आप जब जॉब के लिए सर्च कर रहे हो ना तो अपने स्किल्स को इन्हेंस करो, उन पर फोकस करो भाई। आपको कद्दू किसी को, कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा सर, जब आप पढ़ के जाओगे, मेहनत करोगे। एक एज होती है ना जब आप खुद को टाइम देते हो ना तो सर दुनिया आपके लिए टाइम निकालती है, और जब आप दुनिया को टाइम देते हो ना तो सर कोई आपके टाइम की वैल्यू या कदर नहीं करता। आपको ये समझना होगा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मेरी एज शायद 27 या 28 है, और इस 6 फरवरी से पहले ना मैंने कभी अपने ऊपर, अपने लिए सीरियस होकर कुछ लाइफ में सोचा ही नहीं था। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं प्लान करता छोड़ देता, प्लान करता छोड़ देता, कुछ कर रहा हूँ किसी का फ़ोन आ गया उठ के चला गया, कसम खाई है कि नहीं उठूँगा पर 2 मिनट में उठ के चला गया कि दोस्त का फ़ोन है, इसका फ़ोन है। अब मैंने वो सारा सर्कल इतना सा कर दिया, जो इतना बड़ा सर्कल था ना मेरा दोस्तों का, वो इतना सा कर दिया सर। मतलब अगर मैं ये पेपर है ना, समझ रहे हो, अगर मैं इसको फाड़ दूँ इतना इतना फाड़ दूँ तो अभी जो मेरे फ्रेंड है ना उनका नाम इस पर मैं बड़ा डिटेल में लिख सकता हूँ। मैंने सिर्फ इतने लोग रख लिए जो मेरे बिल्कुल क्लोज रहते हैं, और लाइफ टाइम मैं कोशिश करूँगा उनके साथ क्लोज दोस्त रह सकूँ, और बाकी को साइड कर दिया। मैं समझ गया कि आपको अपने गोल को अचीव करना है ना, तो देखो मैं ना चाणक्य की बुक पढ़ रहा था, उसमें एक चीज़ लिखी थी कि आपका दुश्मन वो भी नहीं है जो आपको गोली मार रहा हो, सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो चक्कू से वार कर रहा है वो भी नहीं, जो आपको पीट रहा है वो भी नहीं है सर। आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो आपको आपका लक्ष्य अचीव नहीं करने दे रहा, जो आपका गोल है अल्टीमेट। और अगर वो दुश्मन है ना और आपको पता है वो चीज़ आपकी दुश्मन है, तो मैं कहूँगा उससे दूर हो जाओ जितना जल्दी हो सकते हो, समझ रहे हो। जैसे मेरा दुश्मन था टाइम वेस्ट करने की, मेरी आदत है, मैं घूमता था, मैंने अपनी वो आदत ख़त्म कर दी। वो लोग जो मुझे इंस्पायर कर रहे थे कि सुधीर जॉब पकड़ ले, ये कर ले, वो कर ले, मैंने उनको साइड कर दिया। जो मुझे मोटिवेट करते कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर ले, मैंने उनको बिल्कुल साइड कर दिया। कहीं ना कहीं इन चीज़ों से आप इन्फ्लुएंस हो गए लाइफ में। आप देखोगे कि मेरी फैमिली में सब दिल्ली पुलिस में है, जैसे मतलब गवर्नमेंट जॉब में, कोई टीचर है, कोई दिल्ली पुलिस में, कोई यूपी पुलिस के अंदर है, ठीक है। कुछ मेरे दोस्त हैं जो पीसीएस जिनका क्लियर हो गया, तो उनकी लाइफ देख के मैं भी इन्फ्लुएंस होता हूँ। मैंने कहा सबको साइड कर अभी,
तेरा गोल क्या है, तेरा ये गोल है, नहीं है ना, तेरे को अपनी कंपनी खोलनी है, तुझे बिजनेसमैन बनना है, स्टार्टअप करना है, सिर्फ वो फोकस तेरा अल्टीमेट होना चाहिए लाइफ में, तो वो फोकस करो, स्किल सीखो, चीज़ें सीखो। आपको बड़ी कंपनी ज्वाइन करनी है, किसने मना करी है सर? कॉरपोरेट सेक्टर बैठा होता है टैलेंटेड बच्चों के लिए ना, पर आप टैलेंट तो लाओ सर वो अपने अंदर, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो। दीपक सर नाम के एक व्यक्ति हैं, उनकी वीडियोस देख लो, कोर्स ज्वाइन कर लो, वो बंदा भाई इतना बढ़िया पढ़ाता है ना, तुम्हारी इंग्लिश 6-7 महीने वो ऐसी कर देगा ना कि तुम भैंस की पूछ कहीं नहीं रुक सकते। उसको ज्वाइन कर लो भाई साहब, बजट में क्लास देता है। वो नहीं मिल रहा तो कोई और टीचर ज्वाइन कर लो अगर उसका बैच फुल है, और कोई कोर्स कर लो स्किल्स, अगर 12वीं पास करके ग्रेजुएटेड हो तो जो पढ़ा है उसको दोबारा पढ़ लो अच्छे से, अगर ग्रेजुएशन में हो, और ग्रेजुएशन कर लिया तो फिर कोई भी एक स्किल्स कोर्स कर लो। कुल मिला के मैं कह रहा हूँ इन चीज़ों से बचो, ये जो आपको अंधी सैलरी का लालच देते ना, ये एक्चुअल में कोई नहीं देता। किसी भी कंपनी पे इतना पैसा नहीं है कि वो फ्री में आके 60-70 हज़ार रुपये सैलरी, मैनेजर लेवल को बंदों को भी नहीं मिलती जल्दी से 60 हज़ार सैलरी भारत में, समझ रहे हो आप लोग? तो आपको ये समझना पड़ेगा। अब दिखा देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट सर, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे से मांगे गए थे, जिनको मैं किसी भी सूरत हाल में नहीं देने वाला था। कौन कौन से थे सर? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये 10th SSC, ये सारे कुछ ना, ये सब डॉक्यूमेंट बिल्कुल नहीं देने, समझ लो बहुत रिस्की होता है जब तक आपको ट्रस्ट ना हो पूरी तरह। उसके बाद मैंने नेट पे सर्च करा, मिंट का आर्टिकल है, अकॉर्डिंग टू द पुलिस अर्ली एस्टिमेटेड सजेस्टेड डेट एट लीस्ट 50,000 जॉब सीकर अक्रॉस द कंट्री वर ड्यूब्ड, द अमाउंट रन्स इन करोड़ों का घोटाला इन मैसिव यूपी बेस्ड फ्रॉड, 50,000 जॉब एस्पिरेंट ड्यूब्ड ऑफ करोड्स, उड़ीसा पुलिस ने लिखा है ये आर्टिकल, ठीक है। इसके बाद ये तुम्हारे भाई डिजिटल सुधीर ने लिखा, मतलब सबके लिए भाई नहीं, जो जिस तरीके देख लो अपना हिसाब, कोई एक ऐसी भी होगी ना जो मेरी वीडियो देखती होगी तो उसके हिसाब से समझ जाओ तुम इस देश। आज एक्चुअली मैं शादी अटेंड करके आऊँ ना तो वीडियो उसके बाद बना रहा हूँ। इस दिस द बजाज वेबसाइट, दे आर प्रोवाइडिंग जॉब ऑन बजाज आलियंस एंड आस्किंग फॉर डॉक्यूमेंट ऑल्सो एग्जाम फीस। भूकंप आ रहा है क्या? नहीं, प्लीज़ लुक इन टू द मैटर। तो मेरे पास ये आ गया, हाय सुधीर थैंक यू फॉर, ये बंदे की वो है जो ऑफिशियल मेल आईडी वो देखने को कह रही थी ना कि हम सर की ऑफिशियल आईडी देख लो, ये रहा देख लो पढ़ लो भाई कि थैंक यू ये सब हमारे नोटिस में लाने के लिए, हम इस पे एक्शन लेंगे। हाय सर आप कैसे हूँ? तो पीपरा नाना कर्च मयूर भाई, मैं एकदम बढ़िया हूँ और लगभग 88 किलो का हूँ, तो मस्त हूँ एकदम लाइफ में। तो ये पूरी वीडियो थी, पसंद आई है तो ठीक है, आप मेरे को इस काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको आगे वो देख ही रहे होंगे QR कोड, या एक पूरी स्पेशल वीडियो ऐड होगी आप उसको देख लेना। कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, फेसबुक पर कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल बना हुआ है जहाँ पर आपको और अपडेट मिल जाते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। और एट द एंड ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, हो सकता है आपके दोस्त, आपके भाई बहन आपकी इस एक छोटे से सपोर्ट से बच जाएं किसी स्कैम के शिकार होने से। ये स्कैम बहुत बड़े लेवल पे हमारे देश में फैल रहे हैं, और आफ्टर कोविड तो ये स्कैम्स ऐसे फैल रहे हैं, मतलब कंपनियां खुल चुकी हैं यार लिटरली जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करा। वैसे किसी ने नोटिस करा ये लिटरली जो वर्ड है ये फिर फ्रेज ये परमानेंट हो गया है मेरी जबान पर ना, लिटरली यही एक शब्द है, और एक्सक्यूज मी वाला जो इंग्लिश में अच्छा बोलता हूँ। खैर एनीवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, स्टे सेफ स्टे हैप्पी, बाय बाय टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं मुझे सपोर्ट करना तो आप डोनेट कर सकते हैं कोई भी एक स्मॉल अमाउंट इन जो QR कोड नज़र आ रहे हैं उनको स्कैन करके, ताकि मैं ऐसा ही कंटेंट लगातार आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता रहूं और कोशिश करता रहूं आप सभी को स्कैम्स और फ्रॉड से बचाने की, जो लगातार हमारे देश के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप में से कोई मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहता है, कोई भी सवाल पूछना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक फॉर्म का लिंक दिया गया गूगल फॉर्म का, उसमें उसको फिल करिए, वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालिएगा और रीज़न की क्या बात करनी है आपको, किस सिलसिले में बात करनी है, और उसको सबमिट कर दीजिएगा और आपके पास कुछ ही घंटों में मेरा कॉल आ जाएगा।